नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत है अनुराग एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको फेमस सिंगर बना देते हैं। दोस्तों हम आज शुरुआत करेंगे बेसिक से। दोस्तों मैं आपको अभी बेसिक प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको सिंगर बनाने में मदद करते हैं। सबसे बेसिक प्लैनेट है सिंगर बनने के लिए शुक्र। आपके कुंडली में कोई भी सिंगिंग, डांसिंग या जो भी हो एक्टिंग, ऐसे करियर जिसमें ग्लैमर होता है, जिसमें फेम होती है और जिसमें कला होती है, ऐसे करियर के लिए शुक्र आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि या उसकी खुद की राशि में होता है, स्व राशि में होता है जो कि होती है 2, 7 और शुक्र अपने 12 नंबर की राशि में उच्च न हो जाता है, तो दोस्तों अगर ये केंद्र में 2, 7, 12 ये राशि में स्थित हो तो ये मालव्य योग बनाता है और ये आपको सिंगर एक्टर बनने में बहुत बहुत मदद करता है। फिर दोस्तों बात करेंगे बुध की। बुध हमारे कुंडली में हमारे इंटेलेक्चुअल को डिफाइन करता है। कोई भी करियर के लिए, कोई भी सेक्टर के लिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात करेंगे चंद्र की। चंद्र दोस्तों जब ये शुक्र के साथ मिल जाता है तो हमारी वाणी में बहुत मधुरता आ जाती है। शुक्र और चंद्र का मिलन ये हमें बहुत बड़ा सिंगर बनाता है। ये हमें नेशनलाइज और इंटरनेशनल लेवल का सिंगर बना देता है। दोस्तों मैं अब बात करूंगा एक सीक्रेट प्लैनेट की जो कि है राहु। आजकल के जमाने में जबकि कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ गई है और आपको बाकी सिंगर्स के मुकाबले उठ के खड़ा होना पड़ता है, तो आपके राहु की महादशा, अगर आपका राहु स्ट्रांग होगा तो ये आपको हेल्प करती है। हम अक्सर देखते हैं बहुत से सिंगर्स कुछ पीरियड तक बहुत चलते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं, लेकिन ऐसे सिंगर जो सदा बाहर होते हैं उनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है और वो कॉम्पिटिशन में टिके रहते हैं, तो कभी उनका डाउनफॉल नहीं होता। तो दोस्तों राहु ये हमें ग्लैमर से जोड़ता है, ये हमें कॉम्पिटिशन में खड़ा रखता है और हमारे कॉम्पिटिटर से हमेशा हमें आगे रखता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाउसेस की। दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 10th हाउस ये हमारा वर्क हाउस है। कोई भी काम में आगे बढ़ने के लिए 10th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जब आपके 10th हाउस का कनेक्शन बनेगा आपके सेकंड हाउस के साथ, क्योंकि सेकंड हाउस ये हमें हमारे मधुरता का हाउस होता है, हमारे टंग का हाउस होता है। सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि आदमी कितना मधुर है, इसकी वाणी कैसी होगी। अक्सर आप देख लो आपके घर में किसी की भी कुंडली में अगर सेकंड हाउस में शनि, मंगल या सूर्य होते हैं तो ऐसा इंसान कभी किसी को भी कुछ भी बोल देता है। ये जुबान से बहुत तीखा होता है। तो दोस्तों हमारे सेवंथ हाउस में कभी भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो गए तो हम कभी सिंगर नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों ने अपना स्किल एक्टिंग में जोरदार रोल के लिए, टफ रोल के लिए निभाना चाहिए। दोस्तों सेकंड हाउस में अगर शुक्र और चंद्र या सिर्फ शुक्र या सिर्फ चंद्र होते हैं तो आप बहुत अच्छे गाना गा सकते हो, आप बहुत अच्छे गायक होते हो। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमारे सेकंड हाउस के साथ हमारा सेवंथ हाउस, हमारा 8th हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी हाउस से अगर हम 7 घर गिने तो वो हाउस होता है उसकी शक्ति। सपोज सेकंड हाउस इज अवर शिव, देन 8th हाउस विल बी इट्स शक्ति। तो सेकंड हाउस से अगर हम 7 घर गिने तो 8वां घर आता है और वो हो चुकी है सेकंड हाउस की शक्ति। अगर आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा और अगर आपका 8वां हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, सेकंड हाउस हुआ ये और 8th हाउस हुआ ये, तो आप कहीं ना कहीं सिंगिंग में अटक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सिंगिंग के लिए आपके दोनों हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस होता है आपके थ्रोट का हाउस। अगर आपके आपकी जुबान मधुर रही लेकिन थ्रोट से अच्छे स्वर ही नहीं आए तो आपका संगीत अच्छा मशहूर नहीं हो पाएगा, किसी को भी उसको सुनने में रुचि नहीं रहेगी। दोस्तों तो थर्ड हाउस भी सिंगर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम 5th हाउस पे। दोस्तों 5th हाउस होता है हमारे इंटेलेक्चुअल का, हमारे आर्ट का, स्किल का, म्यूजिक का। हमारे 10th हाउस का कनेक्शन सेकंड और थर्ड हाउस के साथ 5th हाउस के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि ये म्यूजिक और स्किल का भी हाउस है। लेकिन अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा एकदम सीक्रेट योगास के बारे में जो मैंने टॉप 10 सिंगर्स की कुंडली में देखे हैं। दोस्तों अगर हमारे सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन हमारे 5th हाउस के साथ बन जाता है और उसमें बुध, गुरु,
शुक्र और चंद्र इन्वॉल्व होते हैं तो ये बनाता है सरस्वती रूप। दोस्तों अगर ये प्लैनेट्स आपके सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में होंगे तो आपके कुंडली में सरस्वती योग बन जाएगा, ये आपको हजारों में से ऊपर खड़ा कर देगा। दोस्तों सरस्वती योग में पैदा हुआ जातक या जातिका बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं। दोस्तों फिर आ जाते हैं हम वॉइस के ऊपर। वॉइस के लिए दोस्तों हमारा वीनस फिफ्थ हाउस में, टेंथ हाउस में, सेकंड हाउस में या थर्ड हाउस में स्ट्रांगली सिचुएटेड होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे स्ट्रांगली सिचुएटेड नहीं हुआ तो आपकी वॉइस जो है वो लोगों को आकर्षित करने वाली नहीं होगी, आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आपका चंद्र या शुक्र रोहिणी नक्षत्र में आ जाते हैं जो कि चंद्र का नक्षत्र है तो आपका सिंगिंग में अपने यहाँ भी भाग्योदय होना चालू हो जाएगा। आपको नहीं समझेगा कि मेरा भाग्योदय कैसे हो रहा है लेकिन वो अपने आप होना चालू हो जाएगा। दोस्तों अक्सर माना गया है कि आपके राइट या लेफ्ट ईयर पे अगर तिल होता है और वो अपर साइड में यहाँ पे होता है तो आप बहुत बड़े सिंगर बन सकते हो, या आपके नोज पे यहाँ पे कोई तिल होता है तो आप बहुत बड़े सिंगर बन सकते हो। इन सब में सबसे ज्यादा मेन रोल होता है राहु का। अगर आपका राहु स्ट्रांगली सिचुएटेड होगा आपके थर्ड, फिफ्थ, सेकंड या टेंथ हाउस में और उस टाइम पे भाग्येश की महादशा या अंतर्दशा होनी चाहिए जब भी आपका लक सिंगिंग में आसमा जाए, क्योंकि दोस्तों दशा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर आपके रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग दशा लग गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो नाइन्थ हाउस की दशा, फिफ्थ हाउस की दशा का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हुए आपको सिंगल बनाने के। अगर आपको आपकी कुंडली मुझसे पर्सनली चेक करानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मुझे आप क्वेश्चंस भेज सकते हो। आप सभी को जय श्री कृष्ण।